अस्सलाम वालेकुम। अभी एक लड़की का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है जो हैदराबाद से थी और डिप्रेशन में, काफ़ी डिप्रेशन में थी। तो इंशाल्लाह वो वापस आ जाएगी अपने माँ बाप के पास इंडिया, या कुछ इंशाल्लाह सब अल्लाह ताला आसान करे उसके लिए। ऐसी एक लड़की नहीं है यहाँ पे, ऐसे काफ़ी 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 स्टूडेंट्स ये सिचुएशन से गुजरते हैं, डिप्रेशन से काफ़ी स्टूडेंट्स ये सिचुएशन से गुजरते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है। मेंटल हेल्थ यूनिट में मैं काम करता था, ऑलमोस्ट 4 साल मेरी वहाँ पे जॉब थी, 4 साल किया मैंने हॉस्पिटल्स में, 2 साल मेरा आईसीयू में था। वहाँ पे मेंटल हेल्थ स्टेटस, मेंटल हेल्थ में काफ़ी 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 एशियंस आते हैं वहाँ पे। स्टूडेंट्स को मैं एक बात बोलता हूँ, जो स्टूडेंट्स पे आते हैं यहाँ पे, ये लोग क्या समझ के आते हैं मालूम है? इंडिया में एजेंट जो है आधे उसको अपना अपने जेब भरना होता है, झूठे सच्चे बातें बोल के बच्चों को क्या बोलते हैं, गुमराह करते हैं ये लोग। ये ऐसा नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं गए होते, वो खुद कभी ये कंट्री में नहीं आते, बस उनको दिख रहा, अरे भाई अच्छा कमा रहा, 2 लाख रुपए भेजा, अरे उतनी जमीन खरीद लिया, उतना घर खरीद लिया, वो गाड़ी है उसके पास, उसका फेसबुक टिकटॉक दिखा के बकरे फांसते हैं ये लोग, ये एजेंट्स इंडिया में जो है। तो इंडिया है, कई कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में ज़्यादातर होता है, बाहर जाने का शौक होता है, घर के बड़े बच्चे को बाबा क्या करते, थोड़ा बहुत खर्चा कहीं से भी उठाते, वो बेचारे बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर की फीस बन के वो बच्चे को प्लेन में बिठा देते, जा भाई तू जाके कमा के यहाँ का खर्चा भी भरना है तेरे को, और तेरे को अपने खर्चे भी उठाना है, और अपने कॉलेज की फीस भी भरना है। और कॉलेज में एक चीज़ दिमाग में रख के आना, आपको कॉलेज अगर आप आ रहे हो तो आप कॉलेज में आपका अटेंडेंस काउंट होता है। ज़्यादातर बच्चे जो कॉलेज छोड़ के स्कूल जॉब्स करना ही पड़ता है, उसके सर पे इतना ज़्यादा खर्चा रख के भेजते हैं उनके वाली साहब यहाँ पे, घर वाले। मैं वाली साहब को, घर वालों को भी ब्लेम नहीं करता, क्योंकि उनको भी उतनी ही नॉलेज होती है कि बाहर कंट्री में जाते ही झाड़ों को पत्ते लगे हुए होंगे, तोड़े भेज दिए। नहीं होता यहाँ पे। चलो एक नॉर्मल खर्चा मैं बच्चे का बताता हूँ। स्टूडेंट बच्चे जब आते हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भर के आते हैं, जो कि कर्जा लिया हुआ होता, वो लोग इंडिया में कर्जा लेके वो लोग यहाँ पे आते ये सोच के कि मैं वो कर्जा भर लूंगा कमा के ना, लेकिन उसको रहना, रोटी कपड़ा मकान तो नॉर्मल है, नॉर्मल अखराजात है। आते ही उसको रूम ढूंढना होता है, एक कमरे में अगर 4 बच्चे भी है तो एक बच्चे का किराया आराम से 150-125 आराम से रहता, ये बच्चा, मर्द बच्चा बोल रहा हूँ मैं। फिर उसके फ़ोन का आते ही फ़ोन उठा लेते, आईफोन 14-15-16 का शौक लेके आते, उसको उठा लेते, तो उसके EMI अलग उसकी भरते, फिर अपने नॉर्मल बिल्स होते, ट्रांसपोर्ट में $100 आराम से वीकली, 100 डॉलर्स बहुत कम बता रहा हूँ मैं, ट्रांसपोर्ट में इससे ज़्यादा होते हैं। अगर उसकी गाड़ी लो, बहुत ये ना खर्चे रुकते ही नहीं है बच्चों के, फिर आते ही शॉपिंग, जूते खरीदना होता है उसको, छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसके। ये लड़के के खर्चे मैं बता रहा हूँ, लड़की के बिल्कुल अलग है। अब जब लड़की को आप जब भेजते हो, वो बेचारी अपनी इज्जत संभालती हुई उसको घर देखना पड़ता है, वो 4 बच्चों में एक रूम एक कोने में नहीं सो सकती, वो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट रूम होना चाहिए। और जब वो एक पूरा घर नहीं अफोर्ड कर सकती लड़की, स्टूडेंट लड़की एक पूरा घर किराए पे नहीं ले सकती, तो उसको बॉन्ड, घर के बॉन्ड ही 5-5 हज़ार $6,000 रहते। तो फिर आप बताओ कि आपकी बेटी आते ही बेचारी उसकी क्या हालत होगी। चलो कॉलेज कैंपस में रहते, कॉलेज कैंपस में रह नहीं सकते, इतनी गंदगी रहती। बहुत सारे लोग नॉर्मली कॉलेज कैंपस में थोड़ी देर में रहते, फिर वहाँ से भागने की कोशिश करते हो, ढूंढना शुरू करते किसी के घर में रूम मिल जाए, किसी के घर में एक रहने की जगह मिल जाए। और वहाँ पे रहने के बाद वो लड़की को सब कुछ फेस करना है। एक लड़की को जब आप भेजते हो कंट्री टू कंट्री, एक इज्जतदार लड़की को मैं तो बोलता हूँ कि मत भेजें, शादी करके भेजें उसकी, ताकि उसका हस्बैंड उसके साथ होता है वो भी संभालेगा, तो एक दूसरे के सपोर्ट में वो लोग आगे बढ़ जाते। अकेली जान को भेज देते हो, बेचारी अपनी इज्जत भी संभालेगी, इंडिया के हमारे अपने घर के अपने खर्चे भी उठाएगी,
फिर कॉलेज की फीस भी बढ़ेगी, फिर अगर जॉब जब करती रहेगी बच्ची तो उसको पढ़ने का टाइम कहाँ पे है, पढ़ने का स्ट्रेस भी अलग होता। तो ये आसान नहीं है ज़िंदगी ये कंट्रियों में स्टूडेंट्स की, एक जंग है ये लोग के लिए, एक जंग है, खुली जंग है। तो मैं माँ बाप को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी बच्ची की शादी करके यहाँ पे भेजें, अकेली बच्ची को बिल्कुल ना भेजें। और मर्द बच्चा कहीं पे भी रहता आराम से रह सकता, उसको चार बच्चे, चार पांच बच्चे भी, और हाथों हाथ मर्द बच्चों को हेल्प मिल जाती, लेकिन लड़की को सोच के हेल्प लेना पड़ता किसी से भी। ज़्यादातर मेरे अगर लड़कियों को बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, वरना रुल जाते बच्चियाँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बच्चियों को ऐसे ना भेजें। और अगर आपके पास इतना आप एफोर्ड कर सकते हो कि आपकी बच्ची को इंडिपेंडेंट घर लेके दे सकते हो यहाँ पे, तब भेजें। ये लोअर मिडिल क्लास के लोग कर्जा लेके भेजते हैं, जाके बच्ची वहाँ से भर लेगी, बोले तो कैसा भरते भाई, बेचारी की हालत देखे ना। ऐसे कई 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 केसेस में देखा हॉस्पिटल में। मैं वीडियो बनाऊंगा सोचा था, फिर बोला पता नहीं क्यों इजीली बनाना था मुझे वीडियो, लेकिन इंशाल्लाह मैं इन